अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। मीडिया की कर्मी जो हैं, अगर आप लोग भी कोई हो सकता है आप लोग न्यूज नहीं चलाइए, क्योंकि चलाइएगा तो हो सकता है आप पर भी कार्रवाई हो, या नहीं तो एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगा। तो आप लोग भी डरे हुए हैं, आम नागरिक भी डरा हुआ है, नेता भी डरा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक पुराने मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ED ने समन जारी कर 13 जून यानी आज ED दफ्तर में पेश होने के लिए कहा, जिसके बाद आज पूरे देश में कांग्रेस के नेता ED कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के ED कार्यालय परिसर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में कांग्रेस के नेता धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस MLC समीर सिंह समेत कई नेता ED कार्यालय परिसर में धरना पर बैठे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना है कि मामला पुराना है, जानबूझकर ED फंसाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। सड़क से लेकर सदन तक जो भी होगा इसमें निश्चित रूप से हम अपनी कार्रवाई को जारी रखेंगे। कहीं ना कहीं और जांच एजेंसियां जो है वो केंद्र सरकार के इशारों पे तो काम नहीं कर रही। एक ही नहीं, ED का तो ये नोटिस है, लेकिन जो भी केंद्रीय जांच एजेंसी है, सिर्फ राजनीतिक लोगों को नहीं, हम लोग तो मान लिए विरोधी दल के हैं, तो हम लोग पर कुछ 19-20 होता है तो कोई बात नहीं। अपने दल के लोग उनके जो हैं, जो उनके समर्थित हैं, अगर वो भी कहीं अदरवाइज सोचते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होती है। आपके प्रेस बंधु मीडिया की कर्मी जो हैं, अगर आप लोग भी कोई हो सकता है आप लोग न्यूज नहीं चलाइए, क्योंकि चलाइएगा तो हो सकता है आप पर भी कार्रवाई हो, या नहीं तो एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगा। तो आप लोग भी डरे हुए हैं, आम नागरिक भी डरा हुआ है, नेता भी डरा हुआ है। मैं समझता हूँ ये डिक्टेटरशिप तानाशाही रूप से सरकार चलाना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्शनेबल है। हम कांग्रेस जन राहुल गांधी के नेतृत्व में इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आप लोग खुद ही ज्ञात होगा इस बात का, ED द्वारा हमारे सम्माननीय नेता सोनिया गांधी जी और सम्माननीय नेता राहुल गांधी जी को ED का नोटिस भेजा गया है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ED के समक्ष पेश होने वाले हैं, और हम लोग इस बात को समझते हैं, या देशवासी भी समझते हैं, जो यह कार्रवाई में कुछ होना जाना नहीं, केवल देश के मन मिजाज को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो 8 साल में कोई विकास का काम नहीं किया, जनता को किए गए एक ही वादे पूरे नहीं किए, जनता इस बात को आने वाले चुनाव में उठाएगी, उससे पहले ही वह डाइवर्ट कर देना चाहते हैं दूसरे तरफ। इसी के तहत उन्होंने ये कार्रवाई किया है, और मैं, हमारी पार्टी और अन्य जो हमारे आम नागरिक हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को, ये बात गलत है। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आज ED कार्यालय में बैठे हुए हैं, और हमारे पूरे देश के जो भी हैं सभी इस पर बैठेंगे, और